खबर राजधानी देहरादून से है, जहां इन दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। इसके तहत ही सीएम धामी ने सोमवार को सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा की। वही विभाग के कार्यों की समीक्षा से सीएम धामी काफी संतुष्ट नजर आए। इसी दौरान उन्होंने कुछ विशेष कार्यों में और तेजी लाने के लिए विभाग को निर्देश दिया। सीएम धामी ने पत्रकार कल्याण के कार्यों के लिए विभागीय कार्यों की सराहना भी की। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। विभाग सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनके उनकी सहायता के लिए, वो गांव गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे, इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहां पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं। आज की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा, इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। परीक्षण करने के बाद इस पर भी हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और नई सोशल मीडिया की नीति भी लाई जाएगी, जिसमें फेसबुक, यूट्यूबर, ट्विटर आदि को भी जो है सम्मिलित किया जाएगा, उनको आच्छादित किया जाएगा और हमारा सूचना विभाग प्रभावी तरीके से काम करे, आप सबके साथ और अच्छा समन्वय हो, उसको लेकर भी चर्चा हुई है और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब लोग लगातार हमारे सभी प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं राज्य के हित में, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, सूचना विभाग की बहुत विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और उसमें दोनों पक्षों पर बात हुई है, पत्रकार कल्याण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और विभाग के समक्ष क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उनको कैसे दूर करना है। विभागीय ढांचे को लेकर भी चर्चा हुई कि हम लोग क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, तो पुनरक्षित करेंगे विभागीय ढांचा भी। जहाँ तक पत्रकार कल्याण की बात, जिनमें जो निर्णय लिए गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है, जो पत्रकार कल्याण कोष हमारा है उसका 5 करोड़ का कार्पस फंड है, वो बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। तो जो आकस्मिक मृत्यु होती है या जो उपचार का हम लोग भुगतान करते हैं, वो जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो मान्यता देते हैं पत्रकारों को, वो तहसील स्तर के जो पत्रकार हैं उनको भी मान्यता प्रदान की जाएगी। जो कोटा है, कोटा भी बढ़ाया जाएगा, उसका हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी कई जगह दिक्कतें आती हैं कि पत्रकार कई काम करते हैं लेकिन कोटा नहीं होने से मान्यता नहीं दे पाते, तो वो कोटा को ही बढ़ाया जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस की भी चर्चा हुई कि क्या सारे पत्रकारों को मिला करके हम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हम लोग ले आए, तो उस पर कितना खर्च आएगा, अंशदान किसका कितना होगा, उसका एक हम लोग परीक्षण करके प्रस्ताव बनाए।